नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात कर रहे हैं आईपीसी के डिफरेंसेस वाले, फिर से मैं आ गई आईपीसी के डिफरेंसेस लेके। तो अब तक हम आईपीसी के कुछ डिफरेंसेस कर चुके हैं, आज हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट और एफरे। राइट और एफरे के नेक्स्ट में करेंगे हम कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो चलिए आज करते हैं हम लोग, एक होता है आपका बलवा और एक होता है आपके एफरे, जिसे हम बोलते हैं दंगा। जब भी आपके सामने दो वर्ड आते हैं आपके पास राइट और एफरे, इनको जान लेते हैं पहले इसके बारे में क्या है। हम बात कर रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 146 और देन आईपीसी का सेक्शन 147। यहाँ पे हम बात करते हैं आईपीसी का सेक्शन 159 एंड आईपीसी का सेक्शन 146 कहता है कि राइट करने के लिए, तो पहली कंडीशन क्या होती है राइट की, कि आपके पास अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होने चाहिए। इट्स मीन अगर राइट आप करते हैं, बलवा आप करते हैं, तो आपको 5% चाहिए। और वो क्या करते हैं, वहाँ पे दो वर्ड बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं या वायलेंस करते हैं, तभी जाके हमारा क्या कंप्लीट होता है, हमारा राइट कंप्लीट होता है। और देन 147 उसके लिए पनिशमेंट देती है। तो क्या कहते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब कभी भी मिलके क्या करते हैं, बलवा करते हैं, तो बलवे के लिए पनिशमेंट रहता है। कितना पनिशमेंट होता है आपके बलवे के लिए, आइए 147 में कहता है 2 वर्ष तक या फाइन या दोनों हो सकते हैं, 2 ईयर्स और फाइन और बोथ। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि राइट से क्या समझते हैं, ये अपने आप में डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है, ये भी अपने आप में डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है और डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 147 को आपको अच्छे से लिखना है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के द्वारा जो 5 और मोर देन 5 होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा फोर्स या वायलेंस का यूज किया जाता है, दैट इज अ कॉल राइट यानी बलवा, और इसके अंदर आपको 2 ईयर्स का पनिशमेंट और फाइन दोनों से पनिश किया जाता है। ना आता है एफरे, एफरे की पहली कंडीशन क्या है, वही 2 और मोर देन 2% होना चाहिए। सेकेंड कहता है पब्लिक प्लेस होना चाहिए, और तीसरा आता है उससे क्या होना चाहिए, पब्लिक पीस में डिस्टरबेंस होना चाहिए, पब्लिक पीस है। तो पहली कंडीशन 2 और मोर देन 2%, सेकेंड कंडीशन पब्लिक प्लेस, और थर्ड वन कहता है पब्लिक पीस में डिस्टरबेंस क्रिएट होना चाहिए। जब ये सब हो जाता है तो आपको मिलती है पनिशमेंट। कितना पनिशमेंट है इसके, बहुत ही कम है, 1 मंथ और 1 महीने का हो सकता है और 100 रुपीज हो सकते हैं और बोथ हो सकता है, ठीक है, इतना सा पनिशमेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये कितना बढ़िया है, 3 मार्क्स 3 में से 3 में लेके आ सकते हैं, इसमें भी 3 में से 3 ला सकते हैं, सारे कंटेंट आपको लिखने। रेटिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी इज अ कंटेंट। हम बड़े बच्चे हैं, लॉ के कंटेंट है तो प्रेजेंटेशन हम सुंदर सा कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इन दोनों में डिफरेंसेस। पहला डिफरेंसेस है नंबर, नंबर कितने हैं इसके अंदर है 5 और मोर देन 5, जबकि इसमें कितने हैं 2 और मोर देन 2, ये अपना पहला डिफरेंसेस है। सेकेंड डिफरेंसेस आता है इसके, इसमें क्या होता है, फोर्स या वॉयलेंस यूज किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है। थर्ड कहता है कि ये प्राइवेट प्लेस पर भी हो सकता है, पब्लिक प्लेस पर भी हो सकता है, जबकि इसके लिए पब्लिक प्लेस होना मैंडेटरी है, पब्लिक प्लेस होना मैंडेटरी है। तो छोटा सा टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल भी बनता है, डिफरेंसेस भी बन सकता है, अच्छे से कर सकते हैं। तो दैट इज अ बलवा और दंगा। अधिक जानकारी के लिए, और आपके पास बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस मैं करा चुकी हूँ एविडेंस के, वो भी देखिएगा, सीआरपीसी के करा चुकी हूँ वो भी देखिएगा, और आईपीसी चल रहा है, हम करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।